आप सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं आपसे इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़े मुद्दे पर बात करने वाला हूं। तो आपसे एक मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, पूरे बहुजन समाज में फैला देना और आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और आज की इस वीडियो में बात होने वाली है राजस्थान की नागौर में घटना हुई थी, जो कि दो दलित बच्चों के साथ इतनी गुप्त अंगों में उनके गुप्त अंगों में पेट्रोल डालकर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था मनवादी सोच रखने वाले नीच व्यक्तियों ने। उसी मुद्दे पर आज इस वीडियो में बात होने वाली है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात होने वाली है और चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है, मोदी को किस तरीके से निशाना बना लिया है इस घटना को देखने के बाद। साथियों, आपको पता ही होगा कि राजस्थान में किस तरीके से जो कि दो दलित बच्चे थे उनके साथ किस तरीके से गुप्त अंगों में पेट्रोल डालकर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया था मनवादी नीच सोच रखने वालों ने। इसी चीज़ को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कल ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उन्होंने साफ साफ बता दिया कौन दलित समाज का, जो कि बहुजन समाज है, बहुजन समाज का हितेशी सरकार है और कौन नहीं है। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल दिया है ये जो सरकार है दलित समाज को जो कि जड़ से ख़त्म कर देना चाहती है। साथियों, सबसे पहले जो भी घटना हो, चंद्रशेखर बहुजन समाज के कोई भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी कैसी भी घटना होती है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले तो ट्वीट करते हैं और सबसे पहले उस जगह पर जाते हैं और जो कि उस घटना का पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, हम आपको बता दें, अगर आप बहुजन समाज के व्यक्तियों से थोड़ा भी प्यार करते हो तो आप राजस्थान के नागौर में जाकर उन दलित दो दलित युवाओं के साथ गलत हुआ था उन मासूमों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश ज़रूर करें और आप इस वीडियो को पूरे बहुजन समाज में फैलाएं और पूरे अपने बहुजन समाज को जगाने की कोशिश करें। उनको बताएँ कि घटना में किस तरीके से जो कि बच्चों के साथ किस तरीके से गलत हुआ था। साथियों, आज आपकी आंखें नहीं खुली तो कल भी, और आपका आज तो राजस्थान के नागौर का दलित समाज का बच्चा था, कल आपका भी बच्चा हो सकता है। राजस्थान के नागौर के बच्चे को अपना ही बच्चा मानकर इस वीडियो को शेयर करें और वहां नागौर में जाकर, राजस्थान के नागौर में जाकर जो कि मनवादी हैं उनको हिला दें, राजस्थान नागौर को हिला दें। इतना कर्रा प्रदर्शन कीजिए वहाँ पर जाकर जो कि आगे से मनवादी नीच सोच रखने वाले दलित समाज के युवाओं के से गलत करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें कि आज दलित समाज जिंदा है और दलित समाज, कोई भी दलित समाज के व्यक्तियों पर अत्याचार करेगा तो उनको कतई माफ़ करने वाला नहीं है बहुजन समाज। यानी साथियों, आपको प्लीज़ राजस्थान के नागौर में जाना है और चंद्रशेखर आज़ाद जी कानपुर हैं आज, और चंद्रशेखर आज़ाद जी राजस्थान के नागौर में अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जाने वाले हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको इस भी अपने आपके अपने एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच लेकर आऊँगा सबसे पहले। तो साथियों, आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी को जरूर दबाएँ। क्रांतिकारी जय भीम, फिर मिलते हैं बहुजन समाज की खबर के साथ।